हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से जी के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन की अगली सीरीज। मैंने वादा किया था कि हर वीडियो में कम से कम आपको 25 वीडियो एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा आंसर के साथ। तो लीजिए, अगला वीडियो आपके लिए तैयार है। पहला, माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन? तो वो होगा संतोष यादव। फिर उसके बाद, ब्रह्म 27 पर ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। ठीक है, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। ठीक है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, कौटिल्य इनका दूसरा नाम। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कोणार्क किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणार्क केरल का। दिल्ली राजस्थान, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई? 1911 में। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपको नया वीडियो, नए क्वेश्चंस आपको लेके आपके पास। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए।